इस न्यूज के प्रायोजक है भगवती एग्रो इंडस्ट्रीज, जीनिंग प्रेसिंग और ऑयल मिल, टीएमसी यूनिट, आपटी रोड, अमरावती हाईवे, पुलगांव, वर्धा। सावनर के अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जनजागृति सप्ताह मनाया जा रहा है। सर्वव्यापी भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु मुहिम चलाई जा रही है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थी उपवीय भ्रष्टाचार नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिंदी विभागाध्यक्ष निवेदिता कोचे के मार्गदर्शन में उपवीय भ्रष्टाचार नाटिका के अंतर्गत जन्म से मरण तक कैसे हर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार आम इंसान का जीना दुर्लभ कर देता है, इस पर करारा कटाक्ष किया गया है। सतर्कता जनजागृति सप्ताह के सफलतार्थ वंदना यादव, वंदना बारापात्रे, मंजूषा साटकर, रंजना ठाकुर, अश्विनी ताज ने, शुभम कारोकार तथा अन्य सभी शिक्षकों ने अथक प्रयास किया। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्रा जी ने जनजागृति सप्ताह के अवसर पर विद्यार्थियों को शपथ भी दिलाई और कहा कि हमें स्वयं से शुरुआत करनी होगी। कहीं न कहीं हम सभी बिगड़ी हुई व्यवस्था एवं कुशासन के लिए जिम्मेदार है। नैतिक पतन पर पूरी ईमानदारी से चिंतन एवं मनन करना जरूरी है। स्कूल के कार्यकारी अध्यक्ष एवं निर्देशक पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख ने स्कूल के उपक्रम की सराहना की तथा सभी का अभिवादन किया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर ढूंढेले, सावनेर। मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार की एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। अतः मैं प्रतिज्ञा करती हूँ